पूरे हिंदुस्तान के वो भी इतजाज कर रहे हैं बाकी दलित भी कर रहे हैं ये भी सब पूरा एक हंगामा वहाँ चल रहा है फिर उसके बाद कोविड आ गया दरमियान में फिर ये चाइना के साथ सारा था तो पांच अगस्त को उनको एक साल हो जाएगा कश्मीरियों को और वहां पर आ, अब सोचिए मैं ही सोच रहा था कि पांच अगस्त को क्या ऐसी चीज है जो मोदी साहब करेंगे क्या चीज यानी कर्फ्यू में नरमी करेंगे कोई इंटरनेट खोल देंगे वहाँ पे, वहाँ पे कोई जाके लोगों के साथ लोगों को गले लगाएंगे ये हिंदू मुस्लिम जो तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लोग आरएसएस वाले आरएसएस एस के हुडे उसको खत्म करेंगे ताकि उनका मुल्क जो है वो एक, एक मुनासिब चेहरे के साथ दुनिया में जमहूरीत के साथ सामने ऐसा कुछ करेंगे उन्होंने एक बड़ा नया खूनी खेल खूनी खेल मुझे नहीं मैं इसी खुशूनी कह रहा हूं क्योंकि ये पहले हजारों जाने ले चुका है ये सारा मामला है। पांच तारीख को जनाब ये इसको जरा शुरू करते हैं कि पांच अगस्त को करना क्या है मोदी साहब ने एन से शुरू करते हैं आ, या इंडिया टुडे से शुरू कर लेते हैं इंडिया टुडे पीएम मोदी जो है वो पांच अगस्त को उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम पे वो जगह जहां उन्नीस में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी वहां पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखेंगे यानी 5 अगस्त को जब एक साल मुकम्मल होगा कश्मीर पे और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जख्म लगे हैं लोगों को उन जख्मों पे मरहम नहीं उन जख्मों पे नमक या मिर्च छिड़कने के लिए मोदी साहब जो हैं और न्यूज एटीन यह कह रहा है कि नॉट जस्ट राम मंदिर वाइव ऑगस्ट फाइव इज अ सिग्निफिकेंट डेट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वो कह रहे हैं हम आजाद हुए ये जो इसमें ये जो इन्होंने मजमून छापा है उसमें टीपू सुल्तान से लेकर और जनाब किस कौन किस मुसलमान को उन्होंने गालियां नहीं दी औरंगजेब आलमगीर और जनाब जितने वहां पे और उसके बाद वो बता रहे हैं रीबिल्डिंग ऑफ राम टेम्पल एट द वेरी साइट पांच अगस्त जिस दिन कश्मीर के ऊपर माशा नाफिज हुआ था और कश्मीर आ, ये सारा जो झगड़ा फसाद वो कह रहे हैं पांच अगस्त को राम मंदिर क्यों जरूरी है उसको रीबिल्ड होगा राम मंदिर कि जिस जगह उसको डिस्ट्रॉय किया गया था किसी किस्म का कोई सबूत नहीं कि कभी वहां पे आ, राम जो कहा जाता है कि वहां पे राम की राम जी की जन्मभूमि है किसी किस्म का कोई सबूत नहीं अच्छा उसके बाद रिस्टोरिंग अवर प्राइड हम अपनी इज्जत को बहाल करेंगे एंशियंट हिस्ट्री और सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह स्नेचिंग बैक द राइट ऑफ टू इंटरप्रेट अवर हिस्ट्री और उसके बाद मार्क्स ये फेलो ट्रेवलर्स को मैसेज भेजेंगे मार्क्सिस ये इशारा हो रहा है सेकुलर्स की तरफ या चाइना की तरफ चाइना बीच में कहां से आ गया मुझे नहीं पता और उसके बाद डिकॉलोनाइजिंग अवर माइंड यानी उस तारीख को पांच अगस्त को राम मंदिर बना रहे हैं अब आ, हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है ग्रैंड इवेंट एवेट्स पीएम मोदी इन अयोध्या फॉर राम टेम्पल सेरेमनी ऑन अगस्त पांच पांच अगस्त को एक साल जब कश्मीर की मुकम्मल हो रहा है तो उस तारीख को राम मंदिर की सं बुनियाद रख रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ही यह खबर लगा रहे हैं कि पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम टेंपल इन अयोध्या और ऑन अगस्त पांच दो सौ वी, वी को उन्होंने दावत दी है अच्छा वहां पे कोई वो कोविड शोविड भी फैल गया सिक्योरिटी के लोगों में तो वो उसको तो ठीक करेंगे लेकिन बहरहाल इस इस मरहले पे जब चीन के साथ तनाज़े है जब कोविड फैला हुआ है जब और मसले तो राम मंदिर का पांच अगस्त को एक साल के मौके पे राम मंदिर का उस जगह पे अयोध्या में जाम मस्जिद शहीद हुई थी अच्छा जी न्यूज क्या खबर लगा रहा है जी न्यूज ने कमाल लगाई खबर और अगर आप कहें ना कि सही खबर लगाई है ये, ये पसंद आई मुझे उनकी वो कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज ए लीडर बॉर्न आउट ऑफ राम टेम्पल मूवमेंट राम टेम्पल की जो तहरीक थी ये जो राम मंदिर की उसी की तो खुद पैदावार है नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर एन डी टी वी कह रहे हैं कि अयोध्या थिंग्स ये जो है ये अभी खूनी खेल क्यों है देखें ये इन्होंने खूब अब जनाब वहाँ पर गालम गलूच हो रही है और गालियाँ देने शुरू कर दी हैं मुसलमानों को और मुसलमानों को और ये जो मस्जिद है ये जो पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर वो जब यहाँ पर आए थे तो उनके एक कमांडर ने यहाँ पे मस्जिद बनाई थी और ये कभी मामला उठाई नहीं ये मामला कई यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे लोग खामोशी से अयोध्या में जाती है इसमें फैज फैजाबाद का इलाका अयोध्या तो नहीं फैजाबाद का इलाका यूपी में तो उसको वहाँ जाके नमाज पढ़ते रहे फोर्टी नाइन में अचानक 1949 में ये जब आज़ादी हासिल हुई और सब कुछ हुआ तो हंगामे हो रहे थे जाहिर है हिंदू इधर रह गए सिख जो थे यहाँ रह गए कुछ जो एक खराब मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हिजरत हुई इस दौरान किसी ने किसी बदब ने जाके फसादी ने वो मस्जिद में सुबह सुबह उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी खड़ी थी नाइनटीन फोर्टी नाइन की बात है